कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला हमला। कहा नवजोत सिंह सिद्धू का रिमोट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ में और वहां से मिलने वाली गाइडलाइन पर सिद्धू काम करते हैं। अनिल विज ने बातों ही बातों में ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। देखिए जो सिद्धू है ये देश को बांटना चाहते हैं और ये इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ में है। जैसी वहाँ से इनको गाइडलाइन मिलती है वैसा ही ये यहाँ पर करते हैं। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में अब दोबारा इस प्रकार से वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती है। और सिद्धू तो अनगाइडेड मिसाइल है, इसके ऊपर तो नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा राजनेताओं द्वारा वोट मांगने सिरसा डेरे में जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने बयान में किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर वोट मांगने को सही ना बताते हुए कहा कि किसी भी नेता को किसी भी धार्मिक स्थान पर वोट मांगने नहीं जाना चाहिए। नहीं, किसी भी धार्मिक स्थान में किसी को भी वोट मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर भी अनिल विज ने तीखी टिप्पणी की और आम आदमी पार्टी को उनकी कही पुरानी बात याद दिलवाते हुए कहा कि अब ये खुद उस जहर को चाटने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो कांग्रेस के विरोध में हुआ था। ये आम पार्टी वाले कहा करते थे कि कांग्रेस जहर है और अब ये उस जहर को चाटने जा रहे हैं। तो अब इसका तो जनता जागरूक है, जनता समझ रही है सारी बात को कि इनका कहना कुछ था और करना कुछ है।